जैसा कि पिछले एपिसोड में ब्लॉन्डी यू को मैसेज करके बुलाया होता है, इसलिए वो उसके पास चली जाती है। उसे देखकर वो लोग बोल रहे होते हैं कि फाइनली ये बेवकूफ़ आ ही गई। तभी वो लोग उसका बैग छीन लेते हैं। ब्लॉन्डी उससे कहता है, तुम्हें ऐसी जगह पर बुलाने के लिए मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कल थोड़ा सा डरा दिया था, लेकिन बात को समझो, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। मैं तब तक वीडियो को लीक नहीं करूँगा जब तक तुम मेरी एक छोटी सी शर्त को मानती हो। वैसे भी मैं कोई डीमन नहीं हूँ, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। तुम्हारे मेरे साथ काम करने से हमारा ऑपरेशन और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्तों से दूर रहूँगा, और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा काम का हिस्सा भी तुम्हें दूँगा। तो बोलो, तुम्हें मेरा ये छोटा सा शर्त कैसा लगा? वो कहती है, मैं समझ गई। ये सुनकर वो कहता है, लगता है कि तुम काफ़ी मच्योर हो गई हो। तभी वो उसका हाथ पकड़कर अपने कंधे से दूर हटा लेती है और कहती है कि मेरा मतलब था कि अब मैं अपना वक्त तुम लोगों के साथ बर्बाद नहीं करूँगी, अगर मैं ये पहले ही कर लेती तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। वो इडियट ठीक ही बोल रहा था, मैं ही बेवकूफ़ थी जो सिर्फ अपने ही वर्ल्ड में जीती थी। मैं हमेशा पहले यही सोचा करती थी कि डीमंस ही सबसे घटिया बींग होते हैं, लेकिन मैं गलत थी। पहले तो मैं डर गई थी, इसलिए मैं रियलिटी से भाग रही थी। यहाँ तक कि मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन भी दूसरे बंदे पर निकाल दिया था। उसके बारे में सोच कर ही मेरा दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है। अब मुझे समझ में आ गया है कि कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ताकत की जगह दिमाग का यूज करना चाहिए। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, चुपचाप मुझे वो वीडियो दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है, लगता है कि कल के शौक के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रही हो, लेकिन अब नेगोशिएशन का वक्त खत्म हो गया है। आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। यूँ कहती है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास भी तुम लोगों को पीटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। तभी वहाँ पर चैंग आकर कहता है, सब लोग रुक जाओ, सब लोग अपना अपना हथियार नीचे रख दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को चोट लग जाए। लेकिन तभी उसका पैर फंस जाता है और वो यूँ पर ही गिर जाता है। तभी यूँ चिल्लाने लगती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। तभी ब्लॉन्डी कहता है, अब ये इडियट कहाँ से आ गया? उसका दोस्त बोल रहा होता है कि लगता है कि इसका दिमाग का स्क्रू ढीला है। तभी ब्लॉन्डी कहता है, जो भी हो जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाओ और बोलो कि हमने कल्प्रिट को पकड़ लिया है। तभी चैंग कहता है, रुक जाओ, मैं तो तुम्हारा साइड ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं इस लड़की का हेल्प इसलिए करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि ये मेरे साथ सोने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि चीज़ें इतना ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ये सुनकर यूँ चिल्लाने लगती है कि ये तुम आखिर क्या बोल रहे हो? वहीं पर चैंग उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ब्लॉन्डी उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो या फिर क्या सोच रहे हो। ये बोलकर वो उसका टी शर्ट के अंदर से उसका मोबाइल निकाल लेता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है, और कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं इसे नोटिस नहीं कर पाऊंगा? वैसे भी तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा घटिया था। ये बोलकर वो उसका मोबाइल तोड़ देता है। ये देखकर चैंग का दिमाग बहुत ही ख़राब हो जाता है, लेकिन तभी वो दूसरा मोबाइल निकाल लेता है, वो उसे भी छीन कर पटक देता है। चैंग कहता है कि वो वाला काफ़ी एक्सपेंसिव था। ये बोलकर वो तीसरा मोबाइल निकाल लेता है, वो उसे भी छीन कर तोड़ देता है और उस पर चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम्हारे पास कितना सारा मोबाइल है। चैंग कहता है, ऐसी बात नहीं है कि वो सभी मेरी ही मोबाइल है। वहीं पर उसके दोस्त उस मोबाइल को देखकर बोल रहे होते हैं कि ये मोबाइल तो हमारा है। ये देखकर ब्लॉन्डी अपना मोबाइल ढूंढने लगता है, लेकिन उसका भी मोबाइल गायब होता है। ये देखकर उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। वहीं पर चैंग उसका मोबाइल लेकर बोल रहा होता है, जैसा सोचा था, तुम एक कदम आगे निकले, तुम अपने साथ दो मोबाइल लेकर आए थे, यही वो मोबाइल है जिसमें तुम वो सभी क्राइम कमिट किए हो, तुमने तो इसमें का सब कुछ डिलीट कर दिए हो। ये देखकर ब्लॉन्डी का दिमाग बहुत ही ख़राब हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो मेरा मोबाइल कब ले लिया। चैंग कहता है कि अगर तुम कुछ भी एक वीक के अंदर डिलीट करते हो तो वो फिर से रीस्टोर किया जा सकता है। वो उन सभी फ़ोटोज़ को रीस्टोर करके बोलता है, जैसा सोचा था, तुम उन सभी फ़ोटोज़ को यहाँ पर हाइड करके रखते थे, इसलिए कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता था। तभी वो उससे अपना मोबाइल छीन लेता है और वो देखता है कि वो लॉक भी नहीं खोला होता है, और वो समझ जाता है कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा था। चैंग उससे कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लगता है कि तुम छोटे से मजाक से डर गए हो, लेकिन सच में उसमें कुछ अनस्पीकेबल ट्रूथ है। ये देखकर ब्लॉन्डी सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी अच्छा निकला, और खुद को समझाते हुए बोल रहा होता है कि इस बार मैं फिर से उसके जाल में नहीं फंसूंगा, ये सिर्फ फेंक रहा है। तभी उसका मोबाइल में कुछ रिसीव होता है। ये देखकर चैंग कहता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो क्यों ना तुम उसे खुद ही देख लो। वो देखता है कि उसे एक ऑडियो फाइल रिसीव होता है, और जैसे ही वो उसे प्ले करता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसमें वही सब होता है जो वो लोग यू को फंसाने के बाद स्टोरी बनाए होते हैं। ये सुनकर वो लोग घबराते हुए उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ये सब रिकॉर्ड कब किया। चैंग कहता है कि इस केस का इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्कूल ने मुझे अपॉइंट किया था, इसलिए मैंने सभी चेंजिंग रूम्स में माइक्रोफोन इंस्टॉल्ड कर दिया था, और जब मैंने उन्हें कलेक्ट किया तो मुझे ये वाला मिल गया। ये सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होते हैं। तभी चैंग कहता है कि अभी मैंने जो कुछ भी कहा ना वो सब कुछ मजाक था, क्योंकि वो करना भी इलीगल है। मैंने वो ऑडियो फाइल एक वॉइस चेंजर सॉफ्टवेयर से बनाया है, वो बिल्कुल असली जैसा साउंड कर रहा है ना, लेकिन अच्छे से सुनोगे तो पता चल जाएगा कि वो नकली है। वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग वही सब बोले थे। चैंग कहता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों का बेवकूफ़ दिमाग कैसे काम करता है, और अगर विलन बनने की बात आती है तो मुझसे अच्छा
और कोई विलन नहीं बन सकता है। और अभी तुमने जो कुछ भी कहा ना, उससे ये प्रूफ होता है कि तुमने ही वो सभी क्राइम कमिट किया है। अभी कुछ देर पहले तुमने जो कुछ भी कहा वो सब एविडेंस को तौर पर यूज किया जा सकता है, क्योंकि मैंने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तभी वो लोग उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगते हैं। वो कहता है, फ़ोन तो मेरे पास है ही नहीं, फ़ोन तो उसके पास है। तुम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम लोगों को लगा कि वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ है। वैसे भी उसका इतना ज़्यादा फ्लैट है कि तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि मोबाइल वो वहाँ पर छुपा कर रखी होगी। ये देखकर उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो लोग शुरू से ही एक दूसरे से मिले हुए थे, इसलिए वो जानबूझकर उस पर से मेरा ध्यान भटका दिया था। चाहे जो भी हो, मैं उस वीडियो को लीक नहीं होने दे सकता हूँ। तभी चैंग कहता है, मैं तुम्हें ये बताना भूल ही गया कि वो कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही है, बल्कि वो लाइव स्ट्रीम कर रही है। और अभी वो लाइव स्ट्रीम तुम्हारे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, रिलेटिव, दोस्त, पड़ोसी, नर्सरी का क्लासमेट, एलिमेंट्री स्कूल का क्लासमेट, मिडिल स्कूल का क्लासमेट, हाई स्कूल का क्लासमेट, कॉलेज का क्लासमेट, एलिमेंट्री स्कूल का टीचर, मिडिल स्कूल का टीचर, हाई स्कूल का टीचर, कॉलेज का टीचर, तुम्हारे साथ काम करने वाला सीनियर और जूनियर, तुम्हारी अभी का गर्लफ्रेंड, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, तुम्हारी एक्स का एक्स का एक्स का एक्स गर्लफ्रेंड और जो भी तुमसे रिलेटेड है वो सब देख रहे हैं। और मैं ये भी बेट लगा सकता हूँ कि लाइव स्ट्रीम का चैट पूरा वाइल्ड हो गया होगा और शायद बाहर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग जमा हो गए होंगे। ये सुनकर ब्लोंडी घबराते हुए उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम तो सिर्फ फेंक रहे हो। चैंग कहता है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैंने अभी तुम्हें लाइव स्ट्रीम का लिंक भेजा है, विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद ही लिंक पर क्लिक करके देख लो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो लाइव स्ट्रीम कितना हजार या कितना लाखों लोग देख रहे होंगे। तभी वो घबराते हुए उस लिंक पर क्लिक करने ही वाला होता है कि तभी चैंग दरवाज़ा पीटने लगता है और ये सुनकर वो और ज़्यादा कांप जाता है। ये देखकर उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी चैंग यू का रस्सी खोलते हुए कहता है कि आगे का काम तुम संभाल लेना। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।